Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे हम सबको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बीमारियाँ तेज़ी से आपको जकड़ लेती है। ऐसे में हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने ज़रूरी है, जिससे इम्यूनिटी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। सभी को अपनी डाइट में चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए, विशेष ध्यान और इसके साथ ही विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। शरीर में आधे से ज़्यादा इम्यूनिटी डाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा संचालित होती है। आयुर्वेद पेट में एक अग्नि के साथ पाचन शक्ति को संतुलित करता है। सर्दी के मौसम में हमारा शरीर सुस्त पड़ने लगता है, इसलिए पेट में ये अग्नि अपनी शक्ति खोने लगती है। इसलिए इसे जीवित रखने के लिए अपनी डाइट में नेचुरल ऑयल, देसी घी, शुद्ध मक्खन जैसी गुणकारी चीज़ों को डाइट में ज़रूर शामिल करें। सर्दियों में सब्जियों को उबालकर खाना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में आने वाले फूड से बचें, सूप, स्ट्यू और शोरबा का भरपूर सेवन करें। गाजर, चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य जड़ों वाली सब्जियां बेहद फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन इन सब्जियों को उबालकर खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक इस मौसम में कुछ चीज़ें खाने से सेहत को दुगना तेज़ी से नुकसान होता है। इस मौसम में पैकेटबंद फूड या हफ्तों महीनों पहले से तैयार फूड खाने से बचना चाहिए। साथ ही आउट ऑफ सीज़न फूड खाने से आपकी इम्यूनिटी ख़राब होती है। ड्राई फ्रूट्स को जोड़ों की संजीवनी कहा जाता है। सर्दी के मौसम में हर किसी को अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट शामिल करने चाहिए। काजू, पिस्ता, खजूर, बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें सर्दी में न सिर्फ आपके शरीर को गर्म रखेंगी बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। इन सभी चीज़ों का स्वाद बाजार में मिलने वाली महंगी डाइट से काफ़ी अच्छा होता है। सर्दियों में शरीर के सुस्त होने की वजह से भी इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है। बदन में फुर्ती लाने के लिए आप योग या किसी भी वर्कआउट का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी।